नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है 30 मिनट GS में। आज काउंटिंग ऑफ फिगर्स की सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास है, इसमें हम आज आपको जो पिछले लेवल में बताया था उससे भी थोड़ा सा अपग्रेड करके बताएंगे इस बार। चलो एक फिगर लेते हैं। ये फिगर है। अब इसमें आपको फिर से काउंट करना है स्क्वायर कितने हैं, स्क्वायर काउंट करना है। तो स्क्वायर में जैसे हमने बताया था पिछली बार, बेसिक फिगर में कितने स्क्वायर आ रहे थे, इसमें 5 स्क्वायर आ रहे थे। तो इसी प्रकार अगर यहाँ देखा जाए कि यहाँ बेसिक फिगर कितने हैं, अगर देखोगे तो यहाँ 1, ये एक बेसिक फिगर हो गया, सेकेंड ये दूसरा बेसिक फिगर है, और ये थर्ड। तो यहाँ 3 बेसिक फिगर हैं, तो यानी इसमें भी 5 बनेंगे स्क्वायर, और इसमें भी 5 बनेंगे, इसमें भी 5 बनेंगे। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि इसमें तुमने काउंट तो कर लिए, लेकिन 2 स्क्वायर जो हैं डबल बार काउंट हो गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यानी अगर हम बात करें तो 15 5 + 5 = 15 तो स्क्वायर टोटल हुए, लेकिन जो 2 ओवरलैप हो गए हैं, यानी 2 एक्स्ट्रा फिगर काउंट हो गए हैं स्क्वायर के, उनको माइनस करके यानी टोटल आंसर आया इस बार स्क्वायर का 13 स्क्वायर इसमें आए। इसी तरह अगर हम मान लो इसका भी एक जनरल फार्मूला देख लेते हैं कि कैसे, मतलब अगर कोई लंबा सा फिगर आ जाए, इसी में देख लेते हैं। इस फिगर को मान लो कोई और बड़ा सा फिगर ये बन के आ जाए, इस तरह आ गया, ऐसे कई भी फिगर हो सकते हैं। तो हमें सिर्फ बेसिक फिगर गिनना है। बेसिक फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 फिगर हैं। तो 5 × 5, क्योंकि एक बेसिक फिगर में कितना आ रहा है, 5 स्क्वायर आ रहे हैं, तो 5 × 5 = 25। और कॉमन कितने होंगे, तो यहाँ गिनने की ज़रूरत नहीं है हर बार के हम गिने कि कितने कॉमन हैं। जितने बेसिक फिगर हैं उसमें से एक कम कर देना, उतने ही कॉमन फिगर होंगे। तो यानी ये कॉमन फिगर हम इसमें से हटा देंगे, तो इतना आ जाएगा 21। इसमें हमारे जो स्क्वायर आएंगे वो 21 स्क्वायर आएंगे। अब ज़रा एक और डायग्राम देखते हैं, उसमें स्क्वायर काउंट करने की कोशिश करते हैं। एक जैसे फिगर ये है, ये तो हमारा बेसिक फिगर था। अगर मान लो इसी में क्या आ जाए, एक एक लाइन दे दी जाए, अब कहा जाए कि बताओ इसमें स्क्वायर कितने हैं और रेक्टेंगल कितने हैं। स्क्वायर तो अगर बात करते हैं तो इन लाइनों से स्क्वायर नहीं बन रहा है, ज़रा देखो ये सारे रेक्टेंगल बन रहे हैं। स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर हमारे इस फिगर से कितना आएगा, 5 ही स्क्वायर बनेंगे, जैसा बेसिक फिगर में था। ज़रा इन लाइनों को देखते हैं, ये लाइनें क्या इसमें कितने नए फिगर बना रहे हैं। जैसे अगर हम एक लाइन लेते हैं, इस नई लाइन को देखते हैं, एक लाइन कितने फिगर एक्स्ट्रा बना रही है, एक रेक्टेंगल ये हो गया, दूसरा रेक्टेंगल ये हो गया, इसी लाइन से बन रहा है, और इसी लाइन से एक और ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो यानी एक लाइन जो हमारी ये अलग से लाइन एक आई है, वो एक लाइन कितने रेक्टेंगल बना रही है, 3 रेक्टेंगल बना रही है। इसी प्रकार ये भी 3 बनाएगी, ये भी 3 बनाएगी, और ये 3 बनाएगी। और इस बेसिक फिगर में जो इस बेसिक फिगर था, इसमें कितने रेक्टेंगल आ रहे थे, इसमें जो रेक्टेंगल आ रहे थे वो टोटल रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, 9 आ रहे थे। अगर ओनली रेक्टेंगल की बात करेंगे तो इसमें से स्क्वायर माइनस कर देंगे, जो स्क्वायर थे कितने, 5, तो 5 माइनस कर देते हैं तो 4 आ जाते हैं ओनली रेक्टेंगल में 4। लेकिन हम यहाँ पे टोटल रेक्टेंगल की बात करें, टोटल रेक्टेंगल कितने आ रहे हैं, तो टोटल रेक्टेंगल बेसिक फिगर है, क्योंकि ये और तो है नहीं, बेसिक फिगर है, ये 9 है, टोटल रेक्टेंगल 9 है, और
प्लस ये थ्री थ्री जो रेक्टेंगल और ऐड हो जाएंगे, थ्री मल्टीप्लाई फोर, क्योंकि चार लाइनें अलग से खींची गई हैं, तो एक लाइन जो है तीन रेक्टेंगल बना रही है, तो चार लाइनें कितनी हो जाएंगी, 12, 9 प्लस 12, यानी यहाँ टोटल रेक्टेंगल आ गए 21। टोटल रेक्टेंगल काउंट कर लिए, टोटल स्क्वायर काउंट कर लिए। अगर ओनली रेक्टेंगल पूछा जाए, ओनली रेक्टेंगल, ज़रा इस केस में देखना, ओनली रेक्टेंगल, तो ये 5 जो है स्क्वायर माइनस कर दिए जाएंगे, 21 में से 5 माइनस होगा 16, ये हो जाएंगे हमारे इस फिगर के रेक्टेंगल और स्क्वायर काउंट हो जाएंगे। अब अगर इसी फिगर में एक और चेंजमेंट करते हैं, जैसे ये फिगर है, इसमें क्या करने वाले हैं, इस बार हमने यहाँ पे डबल लाइन कर दी और यहाँ पर भी डबल लाइन कर दी। अब पूछा जाए कि बताओ इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, कितने स्क्वायर हैं, तो स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर हमारा वही रहेगा, क्योंकि इन लाइनों से कोई भी नया स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो स्क्वायर हमारे 5 ही रहेंगे, क्योंकि ये अभी भी एक बेसिक फिगर है स्क्वायर के लिए। लेकिन रेक्टेंगल के लिए इसमें जैसे एक लाइन क्या कर रही थी, तीन रेक्टेंगल बना रही थी, ये तीन रेक्टेंगल बना रही थी, उसी प्रकार जरा देखते हैं ये डबल लाइन आने से क्या हुआ है। तो अगर हम इस लाइन को एक ले लेते हैं, इस लाइन को अगर लेते हैं, तो एक एक ये रेक्टेंगल बनेगा 1, 2, इसी लाइन से, इस लाइन से भी एक बनेगा 3, और इसी लाइन से एक बनेगा 4, यानी एक लाइन जो एक्स्ट्रा आई है, 3 तो इससे बन रहे हैं, एक लाइन जो एक्स्ट्रा आई है उससे क्या क्या बन रहे हैं, 4 रेक्टेंगल बन रहे हैं, यानी अगर डबल लाइन आ रहे हैं तो डबल लाइन से कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, 4। तो यहाँ पे अगर टोटल रेक्टेंगल काउंट करने हैं, टोटल रेक्टेंगल क्या होंगे, बेसिक फिगर से रेक्टेंगल कितने आ रहे थे, टोटल 9 तो वो रहेंगे, प्लस एक लाइन, ये देखो सिंगल लाइनें कितनी है, 1, 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 3, दो लाइनों से तीन बन रहे हैं, और प्लस और डबल लाइन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 4 मल्टीप्लाई डबल लाइन तो दो ही होंगी, क्योंकि यहाँ पे ये भी एक सिंगल लाइन में ही काउंट हो जाएगी, तो सिंगल लाइन मर मान लो 4 हो गए, और डबल लाइन 2 मल्टीप्लाई 4, हाँ ये रहेगा। अगर देखो सिंगल लाइन यहाँ पर भी है, तो सिंगल लाइन यहाँ पर भी काउंट करेंगे, सिंगल लाइन यहाँ पर भी, यहाँ सिंगल, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा लाइन आ रही है, एक एक्स्ट्रा लाइन कितनी है, एक दो, दो ही तो एक्स्ट्रा लाइन है, तो ये दो एक्स्ट्रा लाइन से कितने फिगर बन रहे हैं, 4 रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो 9 प्लस 12 प्लस 8 17 और प्लस 29, यानी यहाँ पे टोटल रेक्टेंगल कितने बन रहे हैं, 29 रेक्टेंगल बन रहे हैं। तो इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे एक और फिगर देख लेते हैं, एक और फिगर यहाँ देखते हैं, अगर मान लो यही हमारी डबल लाइन आ जाए, जैसे ये अब अगर बात करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या बताना है, ओनली रेक्टेंगल बताओ कितने हैं इस फिगर में, ओनली रेक्टेंगल, तो बेसिक फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने थे, 4 तो ये थे। अब यहाँ डबल लाइन से हमने बताया, डबल लाइन से यहाँ कितनी है, डबल लाइन है, सिंगल लाइन कितनी है, 1, 2, 3, 4, अगर हम यहाँ पे देखें ये बेसिक फिगर से आगे रेक्टेंगल और सिंगल लाइन है 3, सिंगल लाइन भी हमारी 4 है, 1 अगर एक एक लाइन गिने, 1, 2 और 3 और ये 4, तो 4 रेक्टेंगल एक सिंगल लाइन, जरा ध्यान देना, एक सिंगल लाइन 3 दे रही है और दूसरी जो लाइन होती है वो 4 रेक्टेंगल देती है, तो
यहाँ पे अगर लाइन की बात करें तो फोर लाइन है सिंगल, और ये कितने रेक्टेंगल ले रही है, थ्री, और यहाँ डबल लाइन कितनी है, सेकंड लाइन कितनी है, फोर, तो फोर ये कितना रेक्टेंगल देती हैं, फोर, क्योंकि डबल लाइन जो होती है वो चार रेक्टेंगल देती है। इसको ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं, फोर थ्री जा ट्वेल्व और फोर फोर जा सिक्सटीन, यहाँ पर आ जाएगा 32, ओनली रेक्टेंगल आ रहे हैं हमारे 32। तो इसी के साथ ये रेक्टेंगल वाला काउंटिंग फिगर्स, फिगर इससे ज़्यादा किसी एग्ज़ाम में आएगा नहीं, बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रायंगल, क्योंकि स्क्वायर, रेक्टेंगल, उसके बाद आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में ज़रा काउंट करते हैं कि अगर मान लो हमारे पास एक सिंपल, पहले फिगर लेते हैं बेसिक फिगर, यह ट्रायंगल है, इसमें अगर हमने एक डिवाइड कर दिया तो ये कितने ट्रायंगल आ गए। इसमें हम ट्रायंगल देखेंगे, इसमें काउंट करना है कि कितने ट्रायंगल बनते हैं जाके। तो अगर बात करें तो ट्रायंगल की, ये पहला ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, और एक हमारा ये पूरा फुल साइज का ये ट्रायंगल तीसरा, तो यानी टोटल ट्रायंगल कितने आ गए, थ्री। ये बेसिक फिगर है, इसको याद रखना है, बेसिक फिगर में हमारे ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, थ्री। अगर मान लो यही हमारा, इस तरह हमने ट्रायंगल दे दिया, एक और फिगर लेते हैं, अब अगर पूछा जाए कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो इसमें तो आसानी से हमने काउंट कर लिया था 1, 2 और 3, तो इसमें भी हमें लग रहा है कि आसानी से हो जाएगा। अगर मान लो ऐसे ही अगर एक और फिगर आ जाए 1, 2, 3, 4, तो क्या करोगे, इनको क्या काउंट करते रहेंगे, तो काफ़ी मुश्किल होगी। तो एक काम करते हैं, इसका एक ट्रिक है काउंटिंग का, कि पहले देख लेंगे कि कितने बेस पे बन रहा है, ये 1 एक ट्रायंगल, सेकेंड, थर्ड, यहाँ हम देखेंगे एक बेस पर कितने ये लाइनें कट कर रही हैं, यानी कितने बेस बन रहे हैं, तो थ्री बेस बन रहे हैं। थ्री बेस में अगर हम इनका टोटल ट्रायंगल यहाँ निकालने वाले हैं कि टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, टोटल ट्रायंगल ये काउंट करने हैं, तो इनका सम कर दो, 1 + 2 + 3 यानी 6, यहाँ टोटल ट्रायंगल बनेंगे 6। अगर इसी हिसाब से यहाँ पे देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे टोटल ट्रायंगल बनेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यानी 10 ट्रायंगल बनेंगे, 5, 5, 15 बनेंगे, 5, 5, 10 + 5, 15, तो यहाँ पे 15 ट्रायंगल बनेंगे। ऐसे ही और बेसिक फिगर के साथ देख लेते हैं, और क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मान लो इसी फिगर में देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे और ये एक लाइन कर दी जाए या दो लाइन कर दी जाए, ठीक है, अब कितने ट्रायंगल बन गए, तो ये तो गिनना और मुश्किल हो गया। अगर हम नॉर्मली गिनने बैठ जाएं तो गिनते ही रह जाएंगे और टाइम ख़त्म हो जाएगा, इसको करीब करीब 5 मिनट लग जाएंगे टोटल ट्रायंगल निकालते निकालते। तो इसको भी यहीं पे देखते हैं, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे ये देखेंगे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन पे बस हमें देखना है कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, इस वाले पे भी 1, 2, 3, यहाँ पर भी 1, 2 और 3, तो यानी टोटल काउंट कर दो, 1 + 2 + 3 इस बेस पर बन रहे हैं और 1 + 2 + 3 इस बेस पर बन रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक 1 + 2 + 3, यानी कितना हो गया, 6 + 6 + 6, यानी यहाँ पर 18 ट्रायंगल बन रहे हैं। अब अगर बात आती है कि कभी ऐसा लगता हो कि ये पूरे अगर फुल है, मान लो हम यहाँ पे आधा आधा दे रहे हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ इतना दिया है, एक फिगर ऐसा ले लिया, ये दो दे दिए, मतलब कुछ भी ऐसे फिगर बन के आ जाए और पूछा जाए कि बताओ इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो यहाँ पर भी यही देखेंगे, जैसे इस पे देखा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं कितने, उसी प्रकार यहाँ देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, दो बेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर कितने नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, इन सभी को काउंट कर लिया, बस अब क्या करना है, इनका सम करना है। तो ज़रा इनका सम देखते हैं, पहले नीचे वाले का सम करते हैं, यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये सबसे नीचे वाले बेस पर बनेंगे इतने ट्रायंगल, प्लस 1 + 2
प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस वन प्लस टू। अगर इन सब का सम करते हैं तो हमें टोटल ट्रायंगल पता चल जाएगा कि कितने टोटल ट्रायंगल आएंगे। जरा इनका सम करते हैं, फाइव ये हो जाएगा फाइव, फाइव टेन प्लस फिफ्टीन, और यहाँ पर इसका आएगा थ्री, ये आएगा फोर, और फाइव नाइन टेन, यहाँ से आएगा सिक्स और यहाँ से आएगा थ्री। जरा इनका सम करते हैं, फाइव थ्री एटीन, ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट और थ्री थर्टी वन, थर्टी वन थर्टी सेवन, यानी हमारे यहाँ पे इस फिगर में टोटल ट्रायंगल बनेंगे 37। तो ऐसे फिगर आ सकते हैं ट्रायंगल के, और भी कोई भी कितना भी बड़ा फिगर आ जाए उससे हमें कुछ नहीं है, बस अपना देखेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इस तरीके की ट्रायंगल पे आ सकते हैं क्वेश्चन। और भी फिगर आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा ट्रायंगल ही हो उस पर। जैसे मान लो एक ये फिगर है, यहाँ पे तुमसे कहा जाए कि कितने ट्रायंगल हैं, ज़रा काउंट करो। यहाँ से ट्रायंगल काउंट करने कहा जाए तो बेसिक फिगर है, इसको हम देख लेंगे, वन टू थ्री फोर, फोर यानी ये पहला ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, तीसरा ये, और चौथा ये ट्रायंगल। चार ट्रायंगल तो नज़र आ रहे हैं। जरा देखो, वन और टू को मिला के एक और बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हो गया फिफ्थ नंबर का। और इसी तरह अगर इनको और इनको मिलाएं तो ये सिक्स, और यहाँ पे टू और थ्री को मिलाने से एक बन रहा है सेवन, और वन और फोर को मिलाने से बन रहा है एट। तो टोटल ट्रायंगल हमारे यहाँ पे कितने निकल रहे हैं, एट। टोटल ट्रायंगल एट है, लेकिन इसको गिनने में हमें क्या लगा, टाइम काफ़ी लग गया। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, कि हमें क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल जाए कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो इसका आसान सा तरीका है कि हम यहाँ पे देख लेंगे जो फिगर बना है उसमें इंडिविजुअल यानी अकेले अकेले कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। जितने इंडिविजुअल ट्रायंगल बन रहे हैं उनका बस डबल कर दो, जैसे फोर इंडिविजुअल हैं तो उसका डबल कर दो, पता चल जाएगा कि इसमें टोटल ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, एट ट्रायंगल बन रहे हैं। इसी तरह अगर मान लो कोई और अच्छा सा फिगर देख लें, तो ये बेसिक फिगर था, कोई और बड़ा सा फिगर देख लेते हैं। इस बार क्या कर रहे हैं, दो लाइनें और बढ़ा दी। यहाँ पर काउंट करना है कितना ट्रायंगल है, तो यहाँ पर भी हमने बताया था इंडिविजुअल बस हमें ट्रायंगल देखना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। यानी अगर अकेले अकेले ट्रायंगल देखा जाए तो ये वाला, ऐसे इंडिविजुअल यहाँ पे कितने बन रहे हैं, एट ट्रायंगल बन रहे हैं। तो एट ट्रायंगल के हिसाब से इसका कितना हो जाएगा टोटल ट्रायंगल हो जाएगा एट मल्टीप्लाई टू, यानी सिक्सटीन ट्रायंगल आ जाएगा। इससे के अलावा और एक नेक्स्ट फिगर देखते हैं, और इससे थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। जैसे मान लो एक फिगर है, ये फिगर है, इसमें हमें पता लगाना है कि टोटल ट्रायंगल कितने हैं। तो ज़रा यहाँ पे देखो एक चीज़, कि जैसे अभी हमने पीछे बताया था कि इंडिविजुअल ट्रायंगल गिनने हैं, तो स्क्वायर के अंदर इंडिविजुअल ट्रायंगल्स हमें पता चल जाता है कि टोटल ट्रायंगल कितने हैं। स्क्वायर के अंदर ज़रा इंडिविजुअल देखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो यानी स्क्वायर के अंदर जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, सेवन मल्टीप्लाई टू यानी 14।
और इसके साथ ही बेसिक फिगर और जोड़ दिए गए हैं। ये जो हमने बेसिक फिगर बताया था इसमें कितने ट्रायंगल बनते थे, 1 2, यानी ये 3 बनते थे। तो उसी प्रकार यहाँ देख लो 1 2 1 2 1 2 1 2, तो यानी हर एक बेसिक फिगर में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 3 ट्रायंगल। तो 14 वो हो गए प्लस 3 बेसिक फिगर कितने बने हैं, 4, 3 × 4। एक चीज़ और देखने वाली बात, इतने तो ट्रायंगल हमको पता चल गए, सामने से दिख रहे हैं, जब ये बेसिक फिगर इसके साथ जुड़ रहे थे तो और एक नया ट्रायंगल बना रहे थे। जरा ये देखो, ये एक ट्रायंगल यहाँ बना, दूसरा ट्रायंगल ये बना, दो ट्रायंगल यहाँ पे बने जो जुड़ने पे बने हैं, क्योंकि ये बेसिक फिगर इसके साथ जुड़ा तो ये एक और ये ट्रायंगल बना है, दो ट्रायंगल यहाँ बने, दो ये बनेंगे यहाँ पे इस तरह, ये वाले दो ये बन गए, दो यहाँ से बनेंगे, पहला ये और दूसरा ये नीचे वाला, तो दो ट्रायंगल यहाँ बन जाएंगे। तो कितने ट्रायंगल, और यहाँ पे कोई जुड़ने से नहीं बन रहा, अगर यहाँ पे लाइन होती तो एक और बन जाता, लेकिन यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। तो गलती से भी ये मत करना कि चारों सेम तो 2 4 जा कर दें, नहीं, देख लेना ये लाइन जुड़ रही है कि नहीं, ये जुड़ने से यहाँ कोई नया ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो 2 3 जा, यानी ये 3 ट्रायंगल और बन रहे हैं इसके, 2 × 3, 14 + 12 + 6, यानी कितना हो गया, 14 6 20 20 30 32, यहाँ पे टोटल ट्रायंगल निकल के आ रहे हैं हमारे 32। आज ये ट्रायंगल की क्लास में शायद फर्स्ट लेवल तक हमने बताया, इसके बाद भी अभी कुछ ट्रायंगल के केस बचे हैं, इससे भी और अच्छे फिगर करवाएंगे। फिलहाल तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, और इसी के साथ आप नेक्स्ट क्लास में हमको देखेंगे इस ट्रायंगल के साथ, और इसमें सर्किल जो रह गए हैं, सर्किल क्यूबॉइड, वो भी अगली क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।